बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। उनके पैरों में गोली लगी है। आरोपियों के नाम सरफराज और तालिब बताए जा रहे हैं। घायल आरोपियों को इलाज के लिए नानपारा सीएचसी में भर्ती किया गया था, जहां से बाद में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है और ये खुद भी मुख्य आरोपी है। बताया जा रहा है कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, तभी उनकी पुलिस से मुठभेड़। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। आपको बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में रविवार शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जिले में जमकर हंगामा किया। मंगलवार और बुधवार को जिले में शांति रही। गुरुवार को महाराजगंज इलाके में भी इंटरनेट बहाल कर दिया गया। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज पांच मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से दो अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई, और वहां पर जब गई तो जो DVBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था, और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है, और बाकी तीन अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई। बहराइच से इनसाइट न्यूज के लिए अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें।